फ्रेंड्स, अभी हम आए हुए हैं KGS प्रोजेक्ट पे। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये है KGS प्रोजेक्ट। इसका पूरा नाम कटनी गेट सेपरेट प्रोजेक्ट दिया गया है और ये बन के तैयार हो रहा है मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले में। तो फ्रेंड, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट से क्या आपको लाभ होगा और क्या सरकार को लाभ होगा और कितना इसकी लागत है और कितनी इससे जॉब क्रिएट होगी, सब कुछ बताएंगे। तो फ्रेंड, आप बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। ये बन रहा है मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले पे। ये है एशिया का सबसे लंबा रेलवे सेपरेट ब्रिज। पूरे एशिया में इतना लंबा रेलवे सेपरेट ब्रिज कहीं नहीं बना हुआ है, जो कि बन के तैयार हो रहा है मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले के मुड़वारा स्टेशन के पास, जिसकी लंबाई करीब अपलाइन एवं डाउनलाइन मिला के करीब 35 किलोमीटर होने वाली है। ये अभी जो आप देख रहे हैं, ये है अपलाइन और रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक के आप उस साइड देखेंगे कि पियर और पियर कैप दिख रहे होंगे, वो है डाउनलाइन। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये है डाउनलाइन के पियर कैप और पियर, ये है अपलाइन के। और इसके ऊपर जो काम चल रहा है, डेक स्लैब का काम चल रहा है। यहाँ पर गार्ड एरेक्शन का काम यहाँ तक हो चुका है और इसके आगे डेक स्लैब का भी काम हो चुका है। और सामने आप पियर और पियर कैप देख रहे हैं, इसके नीचे है पाइल कैप और उसके नीचे की गई है पाइलिंग। यहाँ पर नॉर्मल दो प्रकार के पियर यूज किए गए हैं, ये सामने आप देख सकते हैं, सिलेंडर टाइप का है। और आगे आप देखेंगे ये लास्ट पियर में यहाँ पे कैप्सूल टाइप का पियर यूज किया गया है, क्योंकि उसके आगे है नदी और नदी में लंबाई होती है ज़्यादा, इस कारण से यहाँ पे कैप्सूल टाइप का पियर यूज किया गया है। और उसके अपोजिट साइड भी नदी है, ये नदी होती है वहाँ पे पाइलिंग की संख्या भी ज़्यादा कर दी जाती है। नॉर्मल यहाँ पे पियर में 4 से 6 पाइलिंग की जाती है, लेकिन जो नदी एरिया में या दलदली क्षेत्र में होते हैं वहाँ पे 10 से 15 पाइलिंग की जाती हैं। फ्रेंड, यहाँ पे अभी जो आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे पियर कैप का काम चल रहा है। नॉर्मल पियर रेडी होने के बाद इसके नीचे ट्रस लगा के पूरा फाउंडेशन तैयार करके पियर कैप किया जाता है। और पियर कैप रेडी होने के बाद इसके ऊपर गार्ड एरेक्शन किया जाता है। जैसा कि आप सामने देखेंगे, वहाँ पे गार्ड एरेक्शन हो चुके हैं। बड़ी बड़ी क्रेनों के माध्यम से गार्ड को एरेक्शन किया जाता है, उसके ऊपर एक स्लैब बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट में काम कर रही है L&T जियो स्ट्रक्चर, और जिसका मेन क्लाइंट इरकान है। तो जिस फ्रेंड को जॉब की ज़रूरत हो, वो आ काम कर सकता है L&T जियो स्ट्रक्चर और इरकान के साथ। और जो आप इसका गाढ़ा देख रहे हैं, जो गाढ़ा रखा हुआ है, इसमें नॉर्मल प्लेटें रहती हैं। इसका पूरा असेंबली यहीं पे किया जाता है, जिसके लिए फैब्रिकेशन वर्क किया जाता है। फैब्रिकेशन में काम कर रही है BAC कंपनी। तो BAC कंपनी में काम करने के लिए आप आ सकते हैं। ये भी है मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले के NKJ के आगे पाड़िया गांव है, वहाँ पे पूरा प्लांट है। KGS प्रोजेक्ट का बैचिंग प्लांट है, वहीं पे है फैब्रिकेशन, जिसमें BAC कंपनी काम कर रही है। तो फ्रेंड, आप आ सकते हैं और यहाँ पे काम कर सकते हैं। आपके किसी भी फ्रेंड की ज़रूरत हो तो जॉब करने के लिए, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और आप मेल कर सकते हैं। इसमें कमेंट करके बताइएगा आगे क्या जानकारी चाहिए आपको। फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो पे। और ये आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे सटा रखा हुआ है, ये पियर को करने के लिए है। और अभी हमें मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले पे, इस क्षेत्र मंगलनगर एरिया कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पूरा मंगलनगर के एरिया कहलाता है। पहले यहाँ जंगल पड़ा हुआ था, लेकिन अब इसको सफाई करके KGS प्रोजेक्ट का काम किया जा रहा है। कुछ यहाँ रेलवे की बिल्डिंग थी जो ख़राब हो चुकी हैं, तो बिल्डिंग भी रिप्लेस किया जा रहा है। और ये पुराना पुल था, जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़े बड़े पत्थरों से मिलकर बना है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।